नमस्कार, मैं प्रोफेसर धीरेन्द्र कुमार सिंह, डीके कॉलेज डुमराव, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स। आप लोगों को आज मैं बीए पार्ट टू का पेपर फोर्स में पढ़ना है, टैक्स स्ट्रक्चर इन इंडिया, भारत में कर संरचना। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को टैक्स के बारे में मैं बताना चाहूंगा। तो ये आप जान लें कि करों के जरिए सरकार वास्तविकता में यह निर्णय लेती है कि सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए देश के परिवारों और व्यवसायों से किस तरह संसाधन प्राप्त करने हैं। इस तरह जुटाया गया धन वह माध्यम होता है जिसके द्वारा वास्तविक संसाधन निजी वस्तुओं से सार्वजनिक वस्तुओं को हस्तांतरित किए जाते हैं। अब इसको विधिवत रूप से समझने के लिए अब मैं आपको सहज भाषा में मैं इसको स्पष्ट करना चाहता हूं, जो कर रहा हूं। आधुनिक अर्थशास्त्र कर को आय के पुनर्वितरण की एक पद्धति के रूप में परिभाषित करता है। इसे देखने के और भी नजरिए हो सकते हैं, लेकिन जन सामान्य की धारणा यही होती है कि सरकारों द्वारा कर इसलिए लगाए जाते हैं ताकि वे खर्च से संबंधित अपने दायित्वों की पूर्ति कर सकें। एक उदाहरण के जरिए हम देख सकते हैं कि कर किस प्रकार आय का पुनर्वितरण करता है। छात्रों, मान लें कि किसी अर्थव्यवस्था में आय की दर 30% है, तो अब दो कल्पित व्यक्तियों का एवं ख की आय में अंतर पर इसका प्रभाव देख सकते हैं कि क की आय ₹50,000 तथा ख की आय के ₹80,000 मान लें। यानी व्यक्ति क और ख दो व्यक्ति हैं, दोनों का न्यूनतम आय 50,000 का है, ख का 80,000 है। यानी करारोपण के पहले आय में अंतर कितना हुआ? 80 में से 50 घटा 30,000 हुआ, और करारोपण के बाद आय में अंतर कितना हुआ? तो एक का 35,000 हुआ और दूसरे का 56,000 हुआ। यानी करारोपण के बाद आय में अंतर 21,000 का होता है, 56 में से 35 घटा 21,000। यानी यह दोनों का अंतर टैक्स में कर के में अंतर कैसे होता है इसको इसमें दर्शाया गया है। यह एक सारणी भी इसे बना सकते हैं, सारणी के माध्यम से भी इसे स्पष्ट कर सकते हैं। दो व्यक्तियों के बीच आय का अंतर कर चुकाने के पश्चात इस प्रकार 30,000 से घटकर ₹21,000 हो जाता है। यह वह पहला स्तर है जब इन व्यक्तियों की आय का पुनर्वितरण होता है। छात्रों, अब कर से जो
₹39,000 की आय सरकार को प्राप्त होती है वह विभिन्न क्षेत्रों, अधिरचना, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि पर खर्च की जाएगी, जिसका लाभ विभिन्न सेवाओं के रूप में सभी को समान रूप से मिलेगा। यह आय का पुनर्वितरण दूसरे स्तर का होता है। अब एक ऐसे व्यक्ति की कल्पना की जाए जो आय कर तो देता है, लेकिन अपने बच्चों की शिक्षा के लिए सरकारी स्कूल की सेवाएं नहीं लेता, नई स्वास्थ्य सेवाओं के लिए सरकारी अस्पताल जाता है, और इस व्यक्ति की तुलना उस व्यक्ति से की जाए जिसके पास सरकारी स्कूल अस्पताल की सेवाएं लेने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। इसका अर्थ यह कि अधिक कर चुकाने वाला सरकार की सेवाएं नहीं ले रहा है, कम कर चुकाने वाला सभी सेवाएं ले रहा है। यह आय का पुनर्वितरण उपभोग पक्ष की ओर से होता दिखाई देता है, जो स्पष्ट है। छात्रों, अब दूसरा जो महत्वपूर्ण जो बिंदु है वह इंसिडेंस ऑफ टैक्स। बहुत शॉर्ट में मैं इस पर प्रकाश डालूंगा, यानी करापात, वह बिंदु जहां कर लगता हुआ दिखता है उसे करापात कहते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आज किसी वस्तु पर जीएसटी में वृद्धि की जाती है तो इसका करापात इंसिडेंस दुकानदारों पर होता है, अर्थात यहाँ करापात का बिंदु व्यापारी है। और दूसरा जो इसका पहलू है वह कराघात, इंपैक्ट ऑफ टैक्स। किसी कर के लगाए जाने के उपरांत इसका भुगतान वास्तव में जिसके द्वारा किया जाता है उस बिंदु पर कराघात हुआ माना जाता है, जिसको हम कहते हैं वो इंपैक्ट ऑफ टैक्स उसके ऊपर हुआ। अब इसके बाद जो टैक्स का जो प्रारूप है वह है डायरेक्ट टैक्स, जिसे प्रत्यक्ष कर हम कहते हैं। वैसा कर जिसमें करापात और कराघात दोनों एक ही बिंदु पर हो उसे प्रत्यक्ष कर कहते हैं। जिसे चोट लगती है खून उसी का बहता है। उदाहरण के लिए आयकर, ब्याज कर। क्लियर है छात्रों, स्पष्ट है। और दूसरा जो है इसका जस्ट रिवर्स, जो उल्टा है, वह अप्रत्यक्ष कर। वैसे कर जिनका करापात और कराघात यानी इंसिडेंस ऑफ टैक्स और इंपैक्ट ऑफ टैक्स दो अलग अलग बिंदुओं जगहों पर होता है, उन्हें अप्रत्यक्ष कर कहते हैं। जिसे चोट लगती है खून उसका नहीं बहता बल्कि किसी दूसरे का बहता है। उदाहरण के लिए भारत में केंद्रीय बैट का करापात होता है व्यापारियों पर, लेकिन कराघात आम जनता पर होता है, उपभोक्ता पर होता है, उसे हम कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। छात्रों, टैक्स के इसके बाद जो महत्वपूर्ण जो बिंदु है वह है कराधान की विधियां, मेथड ऑफ टैक्स। अर्थव्यवस्थाओं में करारोपण की तीन विधियां हैं, उनके अपने गुण एवं अवगुण हैं। पहला है प्रभावी कराधान, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। इस विधि में कर की दर, मूल्य या आयतन यानी मात्रा बढ़ने के साथ साथ बढ़ती जाती है। भारत में आय कर की वसूली इसी विधि द्वारा की जाती है, जिसमें अपेक्षाकृत
कम आय पर इसकी दर कम और अधिक आय पर इसकी दर अधिक है। इस विधि की आलोचना इस आधार पर की जाती है कि इसके द्वारा अनजाने में निम्न वृद्धि दर को प्रोत्साहन मिलता है, क्योंकि इस व्यवस्था में अधिक आय अर्जित करने वाले को एक तरह से दंड दिया जाता है और निम्न आय अर्जित करने वाले को पुरस्कृत किया जाता है। दूसरी तरफ इस व्यवस्था में कर की चोरी होने लगती है, लेकिन यह विधि वास्तव में गरीबों के प्रति मित्रवत है, जिस कारण विश्व में सबसे प्रचलित कराधान का तरीका है। इस विधि को बेहतर बनाने के लिए कर चोरी रोकने संबंधी मजबूत तंत्र की व्यवस्था अच्छी है। अगला है प्रतिगामी कराधान, रिग्रेसिव टैक्सेशन। यह विधि प्रगामी कराधान के ठीक विपरीत है, जिसमें कर की दर मूल्य आयतन मात्रा में वृद्धि के साथ साथ घटती जाती है। इस प्रकार के करारोपण के लिए कोई क्षेत्र विशेष हमेशा के लिए नहीं चुना जाता है। लघु उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए कई क्षेत्रों में सरकार द्वारा केंद्रीय उत्पाद कर की वसूली इस विधि द्वारा की जाती रही है। जहां एक तरफ इस विधि की ज्यादा उत्पादन और आय अर्जित करने वाले को पुरस्कृत किए जाने के लिए प्रशंसा की जाती है, वही दूसरी तरफ इसके द्वारा अपेक्षाकृत कमजोर व्यक्तियों पर कर का अधिक भार डालने के लिए आलोचना भी की जाती है। यह एक लोकप्रिय कराधान नहीं माना जाता, अतः इसका प्रचलन न के बराबर है। आधुनिक जनतांत्रिक सोच के दृष्टिकोण से भी यह एक अलोकप्रिय विधि है। अब हम आगे देखेंगे समानुपाती कराधान, प्रोपोर्शनल टैक्सेशन। यह विधि न तो प्रतिगामी होती है न ही प्रतिगामी। प्रत्येक स्तर की आय एवं उत्पादन के लिए इस विधि में कर की दर समान होती है। साधारणतया अर्थव्यवस्थाओं द्वारा इसे एक स्वतंत्र कराधान विधि के रूप में उपयोग में नहीं लाया जाता। इसे वास्तव में प्रगामी या प्रतिगामी विधियों के पूरक के रूप में उपयोग में लाया जाता है। अगर प्रगामी विधि से में एक स्तर के बाद समानुपातिक व्यवस्था नहीं की जाए तो कर की दर बढ़ती चली जाएगी, और इसी तरह प्रतिगामी कर व्यवस्था को एक सीमा के बाद अगर समानुपातिक नहीं बनाया जाए तो वह घटता ही चला जाएगा। अर्थात प्रत्येक कर, चाहे वह प्रगामी हो या प्रतिगामी, एक स्तर के बाद समानुपातिक हो ही जाता है। छात्रों, इस पद्धति के माध्यम से कर के बारे में और कराधान की विधियां मोटा मोटी जो है वह आपको स्पष्ट किया गया, और इसके बाद आज
कक्षा यही समाप्त होती है। अगले कक्षा में इसी चैप्टर का दूसरा जो आपके लिए उपयोगी है, जो पढ़ना है, उस पर हम चर्चा परिचर्चा करेंगे। धन्यवाद।